अहमद ज़रियाब साहब, सर 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 वो मैं जहाँ आ रहा, वो हुस्ना की फ्रेंड। सर मैं पहली दफ़ा मुशायरा पढ़ रही हूँ, अगर आप अपने चंद मिनट निकाल लें और मेरी शायरी सुन लें, भले आप फिर बाद में चले जाइएगा, सिर्फ चंद मिनट। अरे भाई इस तरह कहोगी तो हम घर ही ना जा सकेंगे, चलना में पूरा मुशायरा सुनेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त। क्या शर्त? तुम मुशायरे में हमारे साथ बैठोगे। भाई हद होती है बदमजाकी, हमें अफाकी के साथ बिठा दिया, उनके पास तो वैसे भी कापूर की बू आती रहती है, कोई बहाना करके हम बाहर आए। मगर सर मैं कैसे? अगर मगर क्या कैसे कब, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, बस अपनी शर्त याद रखना, आइंदा से मुशायरे में तुम हमारे साथ बैठोगे। ठीक है सर। चल हाँ। क्या नाम बताया? नाम जहार है। एक हसीना शायरों की होशमंदी खा गई, शायर जो थी नहीं वो शायरी में आ गई। सिलसिला फिर यूं हुआ कि आ गई फौरन किताब, शायरी फिर शायरी से जा बजा टकरा गई। 20 गज़लें और की थीं, 20 गज़लें और की, और से जब बात बिगड़ी शायरा घबरा गई। और से जब बात बिगड़ी शायरा घबरा गई। हंस रहे हैं लोग उस पर और उसको देखिए, है गलत फहमी के हर तरफ वो छा गई। ये थी हुस्ना हुसैन हुस्नी जो आपके सामने अपना कलाम पेश कर रही थी। वाह क्या बात थी, जबरदस्त शायरी। मोहतरमा मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इजाजत आप सबकी? जी बिल्कुल, आइए। हाज़रीन हज़रात, आप हैरान होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं दोबारा वापस कैसे आ गया। मुझे तो ज़रूरी काम से कहीं जाना था, मगर जहारा ने बेहद इसरार किया, मैं मना नहीं कर पाया उनको। तो ख़वातीन हज़रात, अभी आप शेर मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, अब आप शेर सुनिए। शाद आज के दिन के हवाले से ये शेर है। मोहब्बत है क्या शय ये अल्लाह जाने, है जितनी जुबानें हैं उतने फसाने, ला दी है साकी ने क्या शय ना जाने, पलट आए हैं मेरे गुजरे जमाने। जहरा आपकी शुरू है मोहब्बत, अरे तौबा तौबा, शुरू ए मोहब्बत अरे तौबा तौबा, क़यामत गुजर जाए कोई ना जाने। मोहब्बत है क्या शय ये मुझसे ना पूछो, मोहब्बत है क्या शय ये मुझसे ना पूछो, मैं पूछूंगा तुमसे जो चाह खुदा ने। एक बहुत ही अजीब हरकत की है अहमद ज़रियाब ने। क्या किया है? अरे पहले मुशायरा छोड़कर चले गए, उसके बाद बच्ची के कहने पर आ गए, और अजीब हरकत ये थी कि उससे चिपक के बैठे हुए थे। वो मेरी सहेली है जहारा, मैंने उसे इशारा किया था कि जाकर बुला के लाए। जरा वो भी तो देखें मेरी वाह वाह कितनी हो रही है। फिर दाद तो आपके हुस्न के नाम हुई ना। बेशक। हाँ आ गए? हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। अरे कहाँ, रिजवी साहब इंतज़ार कर रहे हैं, कैफ़े में, वहाँ जाना है। हाँ तो खाला खालू को तुम संभाल लो ना, तुम चले जाओ, मैं खुद ही आ जाऊँ। ठीक पड़ जाता है ये। चले आप, हम चलते हैं उनके पास। वाह भाई वाह, बहुत सी शायरी की तुम। अब हुस्ना तो बस देखने में अच्छी लग रही थी, शेर शायरी कहाँ जाने वाला। शुक्रिया सर, ये तो आपका बड़ापन है। तकल्लु पकल्लु करने की ज़रूरत नहीं है। सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे कहने पे वापस आ गए। देखो भाई मैं ना, हाँ बस यही। अच्छा यार देखो लड़की, मैं जौहरी हूँ, मन को एक नज़र में पहचान जाता हूँ। अब वो हुस्ना वीरा ना थी, उससे मैंने अपने शेर दिए, मुशायरे में पढ़वा दिए, क्या क्या नहीं किया मैंने उसके लिए। और देखो उसने क्या किया, वो 2 नंबर शायरों के साथ बैठकर उनकी बातों में आ गई। देख लेना, बहुत जल्द उसका अंजाम भी देख लेना। टीवी वाली शायरी आपकी थी, मुझे पहले से अंदाजा था। वो नहीं, वो मेरी शायरी नहीं थी, वो बहुत मशहूर शायरा है ना, नहीं हमीदा शाही, उनकी ज़मीन में, उनकी गज़ल की ज़मीन में मैंने कुछ शेर कह दिए। अब जल्दी में तो यही कुछ हो सकता था ना। वो जो कपड़े पहनी हुई थी ना, वो भी मेरे दिलाए हुए थे। आपके? पता है, मतलब बेचारी रक्शे में आती जाती थी, गाड़ी में मैंने बिठाया उसे, ब्रांडेड सूट दिलाए। वो क्या घटिया सी मिसाल है ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, यही सब। ऐसा देखो भाई, बहुत देर हो गई है, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम घर जाओ, कल मिलेंगे। वो आर्ट काउंसिल वाला, तुमने वो कैफे देखा है जल तरंग? जी जी देखा है। कल वहीं मिलते हैं, वहाँ की चाय पिलाते हैं, एक्टिव भी खिलाएंगे। ओके ओके बाय बाय। हाँ नंबर तो देती जाओ। हमें नीचा दिखाने चले थे, जलीलो ख्वार होकर आ रहे हैं अहमद ज़रियाब। लगता है खासी चोट पहुंचाई है आपने ज़रियाब साहब को। जी काफ़ी दुखा हुआ था उनका दिल। जी जी दिल तो वो हथेली पे लिए फिरते हैं, फिर दुख जाता है तो रोते फिरते हैं। लेकिन इस बार उनका दिल हथेली से फिसल गया। वैसे क्या खूबसूरत बात कही आप। वैसे आप यहाँ क्या झक मार रही हैं? आप जैसी ज़हीन और हाजिर जवाब लड़की का ये मुकाम नहीं है। जी जी रिजवी साहब, मैं भी इनसे यही कहता हूँ। शहरयार मियाँ ये चाबी पकड़िए और ज़रा लाइटर लेके आइए मेरी गाड़ी से। जी ये शहरयार जो है तीसरे दर्जे का शायर है, इंसान भी बस ऐसा ही है। लेकिन आपका मुकाम इन सबसे अलग है। शेर व शायरी की दुनिया में आप जैसी ख्वातीन की बहुत कमी है, इसलिए आपको ज़रा संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए। इस तरफ शायरात तो बहुत हैं जो बरसाती मेंढकों की तरह टर्राती फिरती हैं। अब छोड़िए ये आप गज़ल वज़ल को, नसरी नज़मों की तरफ आइए। नसरी नज़में ये क्या है? हाय, बाहर आइए वज़न व अज़ान से। ये नज़मों का दौर है, नावल वगैरह लिखिए, उसके बाद ऑटोबायोग्राफी, बहुत ऊपर जाएंगी आप, बहुत ऊपर। लेकिन मैं ये सब कैसे लिखूंगी? अरे भाई, कोई एक अच्छा उस्ताद मिल जाए, बाकी तो सब पानी पानी है। उस्ताद? बंदा हाजिर है। बहुत बुरा हुआ, उसे पता नहीं चलना चाहिए था। आप लोग अगर उसे पहले बता देते ना तो ज्यादा बेहतर होता। मैं उसे नहीं बताना चाहता था। क्या बताता कि उसके माँ बाप ये घर, ये छोटा सा घोंसला जो बनाया था उसके लिए, इसमें कुछ भी सच नहीं है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सगी माँ से बढ़कर उससे प्यार किया। अभी भी तो मैं उसका भला ही चाह रही थी ना कि वहाँ पर उसकी शादी हो जाए किसी अच्छे लड़के के साथ। तुमने क्या कहा था? मुझे लफ्ज ब लफ्ज बताओ। अब मुझे एक एक लफ्ज तो याद नहीं है ना, लेकिन जब परवेज ने मुझे बताया कि मुमताज के लाए हुए रिश्तों में से किसी से भी वो शादी नहीं करेगी, तो बस मैं भी चिढ़ गई और बस ऐसी कुछ उल्टा सीधा। खालू क्या बोला था? साफ साफ बताओ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। खालू जो भी बोला ना, गुस्से में ही बोला। क्या बोला था? खालू, खाला ने गुस्से में बोला कि हुस्ना अगर वो रिश्ते वाली खाला के सामने नहीं आएगी ना तो मेरी अपनी बेटी होती ना तो मैं उसे कान से पकड़ के ले जाती। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कमरे से निकली तो फिर मेरे साथ रिक्शे में बैठ के मुशायरे पे गई। वहाँ से मुशायरे से आगे अपनी सहेली जहाँ आ रहा है ना उसकी तरफ चले गई। इतनी सी बात पे इतना गुस्सा? उसे मुशायरे में जाने से तो किसी ने मना नहीं किया था, क्यों बिल्किस? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। तो इस बात से तुमने ये कैसे समझ लिया कि उसे पता लग गया है? तो पता तो चल गया ना, मेरे साथ रास्ते में थी ना तो उसने बोला ये मेरी है ही क्या, सौतेली माँ। मेरी कसम। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। सारी उम्र देती वालेकुम। आ गए आप। मैं तो हूँ शायर, सो हूँ आवारा। आप क्यों अपने घर नहीं जाते? तो रहने दो, मेरे हाथ है, मैं खुद पहन लूँगा। अभी तो दे दोगी, बाद में दुखड़े रोगी शहरयार के आगे। ये आपकी गलत फहमी है। अगर मुझे दुखड़े रोने भी हों तो अम्मी के साथ जाके रोंगी, शहरयार के पास क्यों जाऊंगी? ओह अच्छा, तो ये ख्वाहिश भी है तो कर लिया करो ना दुख सुख अपनी अम्मा जान से। मुशायरा कैसा था? अच्छा था। नई लड़की आई थी, क्या नाम? जहरा। देखी देखी सी लग रही थी, जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि साथ हम शक्ल होते हैं हमारे जैसे दुनिया में। किसी दिन तुम्हें मेरा हम शक्ल मिल गया तो क्या? शहरयार साला मुझे चला रहा था हुस्ना के साथ फिर करते। वो जानता नहीं है मुझे। अहमद जरियाब नाम है मेरा। मेरा काटा पानी भी नहीं मांगता। एकदम से इतना फ्रैंक हो गए कि कंधे पे हाथ रख दिया। हाँ, तुम्हें पता है यार, मैं तो इतना डर गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार बड़े हैं उस्ताद हैं। तुम्हें क्या माशरती अलूम पढ़ाते रहे हैं? हाँ नहीं, ये बात नहीं है, शायरी के तो उस्ताद है ना। फिर मुशायरे के बाद कहाँ गए थे? कहीं नहीं, बस घर ड्रॉप किया। कल बुला रहे हैं जलते रंग में। अच्छा ठीक है, जाओ, जाना चाहिए। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। साहब, बाहर वो पैनी मैडम आई हैं इस वक्त। जी साहब। उनसे कह दो कि मैं नींद की गोली खा के सो गया हूँ। साहब मैंने तुमसे कहा कि साहब दवा खा कर सोएं, लेकिन वो कह रही हैं जाओ जाकर बताओ साहब को पैनी मैडम आई हैं, पैनी मैडम। साहब वो तो बाहर बहुत शोर शराबा कर रही हैं, अगर आप कहें तो अजीला बीबी को। आज नहीं नहीं भाई, वो जा कहीं तो उन्हें हमदर्दी का दौरा पड़ जाएगा। मुसीबत है। अरे कहाँ है? अब वो तो बाहर बहुत शोर शराबा मचा रही थी, मैंने बाहर खड़ा करके दरवाजा लॉक कर दिया है। मैं अपना घर छोड़कर आ गई हूँ हमेशा हमेशा के लिए, अब कभी वापस नहीं जाऊंगी। क्या? फिर से वही झगड़ा, वही गालम गलोच, वही इल्जाम। वो ये सब तमाशा लगाकर बाथरूम में गया और मैं जूता पहने बगैर चली आई। नहीं ये तो अच्छा नहीं किया तुमने, जूता तो पहनना चाहिए था। मेरा मतलब है इस तरह घर से कौन निकल कर आता है? हाँ भाई, बगैर कुछ इंतजाम किए मुंह उठा के चली आई। कहाँ रहोगी, किसके साथ रहोगी? यहाँ मेरे बीवी बच्चे साथ रहते हैं, कभी कभी सास भी आ जाती है। क्या कहूंगा मैं उनको कि कौन हो तुम? मैं तो सादा खातून हो तुम, क्या बच्ची तो नहीं हो? घर छोड़ना था, मेरा मतलब इस तरह तो नहीं निकल के आना चाहिए था ना। खैर मैं शहरयार को फोन करता हूँ, तुम उसके फ्लैट चले जाओ, बहुत ही महफूज जगह है, और वहां बैठकर सोचो रात भर के क्या करना है आगे। अजीब खातून हो तुम, एक नई मुसीबत शुरू कर दी तुमने। शहरयार के फ्लैट पर? हाँ हाँ, इसको पता है घर कहाँ है इसका, ठीक है ना। तो इसके साथ चली जाओ और साथ जूता। क्या गाड़ी लाई हो ना कि वो भी छोड़ आई हो जूतों के साथ। हाँ शहरयार, कैसे बरखुर्दा? हाँ भाई माजर चाहता हूँ तुम इस वक्त। भाई वो ये पैनी आ गई है, भाई उनके शौहर के साथ किटपिट हो गई है, आज रात तुम्हारे घर रहेंगी। भाई संभाल लेना ना, कोई घरेलू इनका मसला होगा, मुझे क्या पता। तुम खैरे छड़े, मैं बीवी बच्चे वाला, अब मैं कहाँ पड़ूंगा इस मुसीबत में। हाँ ठीक है, प्लीज इनका इस्तकबाल करो। भाई जाओ ना, देखो कुंडी लगाओ उधर। अजीब खातून है, उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ने की कोशिश करती, पागल औरत। ये ले। और पी लें पानी। अहमद ज़रिया बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हाँ, आपको ऐसे इस वक्त यूँ अचानक घर से नहीं निकलना चाहिए था। अहमद ज़रिया आप तो खुद अपनी बीवी के घर में रहता है। वही तो मुझे हर वक्त कहते थे कि निकल आओ उस घर से, उस अजाब से, आजाद कर लो खुद को। अपने घर आने का तो नहीं कहते थे ना। आपने ये हिमाकत क्यों की? आप समझदार खातून हैं। अहमद ज़रिया आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते? टीवी के मुशायरे में आपका नाम दे सकते, कनाडा के मुशायरे का एहतमाम करवा सकते, बस यही हद है उनकी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपको अपने घर के झगड़े खुद सुलझाने हैं। वही तो हर वक्त मुझसे कहा करते थे। भाई वो शायर आदमी है, उनकी हर बात थोड़ी सुनी जाती है। वो तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, किस किस से कहते रहते हैं। ठीक है, मैं वापस चली जाऊंगी। गुस्से में निकल आई थी, वो वैसे भी सो रहा होगा, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। शाबाश शाबाश, यही बेहतर है। गुस्से में कोई फैसला करने की ज़रूरत नहीं है, और अहमद ज़रिया से भी बना कर रखनी है। काम का आदमी है, मुझे भी पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते हैं, मैं सुनी अनसुनी कर देता हूँ। मशवरे का शुक्रिया। कितने अच्छे दोस्त हैं ना मेरे, मुफ्त मशवरे देने के लिए। सिर्फ मशवरे। अगर ठंडे दिल से मेरी बातों पर गौर करेंगी ना तो आप तो बुरी नहीं लगेंगी। चलती हूँ। अब नाश्ता नहीं किया, कुछ और बना दूं? नहीं, तुम हुस्ना, बेटा ना सलाम किया, ना घर से जाने की इजाज़त ली, ये कौन सा तरीका है? किससे नाराज हो? किस बात पे नाराज हो? दिल से उतर न जाए कहीं। वाह, कल रात आ गई थी पैनी शोहर से लड़के। निकाल दिया बेचारी को? पूछा नहीं मैंने। शहरयार की तरफ रवाना कर दिया। कौन बुलाए इस तरह की औरत को घर में? दोस्त है आपकी। दोस्ती तो है, बहुत बड़ा रिश्ता होता है दोस्ती का। अदीला, मर्द और औरत के दरमियान कोई दोस्ती का रिश्ता नहीं होता। मरती है तुम्हारे शौहर पे, इसलिए आई थी सब कुछ छोड़ के। हाँ अदीला, कितनी खुशकिस्मत हो तुम। तुम्हारे शौहर पर कैसी औरतें मरती हैं। ईसनी, कुन्नी, किस कदर चला गई औरत। अंदाजा था मुझे इस बात का। बेटा कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती थी हमेशा। अम्मी का रवैया अच्छा नहीं था मेरे साथ। क्या सख्ती करती थी? छोड़े इन बातों। आपने मुझसे क्यों छुपाया वो? बेटा, जब तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हुआ तुम 3 साल की थी। मैंने काफी अरसे तक ये कोशिश की कि मैं अकेला तुम्हें संभाल सकूं, लेकिन मुमकिन नहीं था। दफ्तर, घर, ये छोटी बच्ची, फिर कोई बिल्किस का रिश्ता लेके आया। ठीक है, मैं अकेला भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे तुम्हारी थी। वो मुझसे उम्र में बहुत छोटी थी, फिर भी मैंने ये फ़र्क नहीं देखा और शादी कर ली। उसके बाद मैंने ही बिल्किस से और बाकी लोगों से कहा कि ये बात तुम्हें ना बताएं, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं था। और अम्मी की अपनी औलाद? वो खुदा की मर्जी, इस बात में उसने इंतज़ार ही कराया। तुम भी हमारी शादी के 15 साल बाद पैदा हुई थी। उसके बाद से तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब रहनी शुरू हो गई थी। तस्वीर है आपके पास मेरी अम्मी की? बेटा, तुम तस्वीर देख के क्या करोगी? बिल्किस ने तुम्हें माँ बन के पाला है, वो ही तुम्हारी माँ है। माँ नहीं है वो मेरी।